Hello students, in this video we will start communication system. Okay, but before starting the subject we should know why we study this subject, what are the advantages of studying this subject. ठीक है, हमें ये subject पढ़ना क्यों है, क्या advantage है इस subject को पढ़ने के. ठीक है, तो अगर मैं ESE students की बात करूं तो एक बार आप लोग अपनी branch का full form pronounce कर लीजिए, electronics and communication. ठीक है ना, तो आपकी ब्रांच में ही सब्जेक्ट का नेम है, तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेन कोर सब्जेक्ट है आप लोगों का, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट. ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ इफ दे वॉन्ट टू अपियर इन IES एग्जाम. ठीक है, गेट में ये सब्जेक्ट उनके लिए नहीं पूछा जाता है. बट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट की बात करूं तो आप चाहे गेट में अपियर हो, चाहे IES पे अपियर हो, या आप किसी भी PSU एग्जाम में अपियर हो, ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, और अगर मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपकी बात करूं तो आप अगर अपनी कोर फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों में ही कोर जॉब मिलेगी. क्लियर है पॉइंट यहां तक? नाउ कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने की प्री रिक्विजिट क्या क्या है. तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने की अगर मैं प्री रिक्विजिट की बात करूं तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से आना चाहिए. ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग कहां पढ़ते हैं? हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम में. तो आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम इसके पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए बहुत अच्छे से, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, नाउ अब अगर मैं बात करूं बेसिक मैथ्स की, तो बेसिक मैथ्स ऐसी चीज है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आनी चाहिए. ओके, तो आप बोल सकते हैं सिग्नल एंड सिस्टम एंड बेसिक मैथ्स अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि कम्युनिकेशन सिस्टम आपके लिए क्यों इतना ज्यादा एडवांटेजेस है पढ़ने के लिए, तो ईसी स्टूडेंट के लिए स्पेशली अगर आप बात करें गेट की, तो गेट में आप एवरी ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन सिस्टम. और आप समझ रहे होंगे कि अगर आपका 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम है तो उसमें अगर आपके 10 मार्क्स कम्युनिकेशन सिस्टम से आते हैं तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह सब्जेक्ट आपके लिए. ठीक है, और अगर मैं IES की बात करूं तो IES पे भी आप 7 to 8% मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से. ओके, सब्जेक्टिव में स्पेशली आप लॉन्ग लॉन्ग आंसर, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, और किसी भी अगर एनी अदर PSU एग्जाम की बात करूं तो वहां भी कम्युनिकेशन के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं. क्लियर है पॉइंट? नाउ अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं इस वीडियो में कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है. तो जो आज की मैं फर्स्ट वीडियो लेने जा रहा हूं इस सब्जेक्ट के ऊपर, वो इस बेस पर है कि हमें इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं, कितनी डिटेल में स्टडी करने हैं, कौन कौन से टॉपिक IES के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आपके गेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो यहां पर हम देखने वाले हैं कंटेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, सो जो आपको फर्स्ट चैप्टर यहां पर स्टडी करना है दैट विल बी बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, इन द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है. ठीक है ना, टेक्निकल टर्म में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, आफ्टर स्टडिंग व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक ब्लॉक डायग्राम. एक्चुअल में आपका यहीं से सिलेबस स्टार्ट होगा, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. इसमें आप लोग ट्रांसमीटर का एनालिसिस कर लेंगे, रिसीवर का एनालिसिस कर लेंगे, चैनल का एनालिसिस कर लेंगे. ओके, इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे बेसिक्स में वो आपका होगा बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेशन. ओके, जो कि आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉड्यूलेशन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर आप मॉड्यूलेशन समझ जाएंगे तो आप बोल सकते हैं आप 80% कम्युनिकेशन सिस्टम समझ गए हैं. ठीक है ना, तो बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होता है, नीड क्या है मॉड्यूलेशन की. ठीक है, इसके अलावा मॉड्यूलेशन करने से और मॉड्यूलेशन ना करने से क्या अफेक्ट होगा सिस्टम पर,
ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेशन में, ओके। और हम लोग थोड़ा बहुत रिव्यू करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म का, या आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत हम रिवीजन करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो हम लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम में स्टडी किया था। क्लियर है पॉइंट? तो ये तीन चीजें हमें स्टडी करनी है बेसिक्स में। इसके अलावा हम लोग ब्रीफ में पावर एंड बैंडविड्थ का डेफिनेशन भी एनालिसिस कर सकते हैं इन बेसिक्स में, ओके। क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम में फॉर ईच मॉड्यूलेशन टेक्निक वी नीड टू कैलकुलेट बैंडविड्थ एंड पावर, ओके। सो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू स्टडी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक्स में स्टडी करनी है, ओके। नाउ आफ्टर स्टडिंग द बेसिक्स हमें जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करना है अपना, दैट विल बी एनालॉग कम्युनिकेशन, ओके। सो एनालॉग कम्युनिकेशन ये अपने आप में ही पूरा एक सब्जेक्ट है। तो एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर हमें क्या स्टडी करना है, हमें इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो स्टडी करना है वो करना है आपका AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यही से आपकी एक्चुअल में कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत होती है, ठीक है ना। आपके सिलेबस की स्टार्ट होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमें फोर तरह के मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़नी है, डीएसबी एफसी, डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर, डीएसबी एससी, डबल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर, एसएसबी एससी, सिंगल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर एंड वीएसबी वेस्टिजियल साइड बैंड, ठीक है। तो ये चारों मॉड्यूलेशन स्कीम्स हमें पढ़नी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, हम लोग डीएसबी एफसी, डीएसबी एससी, एसएसबी एससी एंड वीएसबी, इन चारों के सबसे पहले हम देखेंगे जनरेशन टेक्निक्स, दैट इज मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। देन हम देखेंगे इनकी डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ओके, मींस मॉड्यूलेशन मींस फ्रॉम ट्रांसमीटर पॉइंट ऑफ व्यू एंड डीमॉड्यूलेशन मींस फ्रॉम रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन का एनालिसिस करेंगे मॉड्यूलेशन इक्वेशंस का, हम इनके लिए पावर कैलकुलेट करेंगे, इन सारी टेक्निक्स के लिए हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जब हमने डीएसबी एफसी डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर पढ़ लिया था तो वाई वी नीड टू स्टडी डीएसबी एससी, और अगर हमने ये दोनों टेक्निक पढ़ ली थी स्टार्टिंग की देन वाई वी नीड टू स्टडी एसएसबी एससी, और लास्ट में अगर हमने ये तीनों टेक्निक पढ़ ली थी तो वाई वी नीड टू स्टडी वीएसबी। हम कंपेरिजन करेंगे चारों टेक्निक्स का, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस एप्लीकेशन के लिए आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है। क्लियर है पॉइंट? और अगर मैं इस सब्जेक्ट की, या मैं बोल सकता हूं इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो ये जो चैप्टर है आपका ये गेट और आईएएस दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ओके। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं इनमें से अगर पिक करूं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पिक करूंगा एसएसबी एससी को, ठीक है। एसएसबी एससी से आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डीएसबी एफसी से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इजी लेवल के होते हैं कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको मेन फोकस रखना है इस पूरे कंप्लीट टॉपिक्स में से, तो आप एसएसबी एससी के टफ टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसमें से आप अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल दो गेट में आप कोई भी टॉपिक पिक नहीं कर सकते, गेट में आपके लिए सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट आईएएस में आप टॉपिक्स पिक कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस सेकेंड चैप्टर के लिए जो मेरी पिक रहेगी वो रहेगी एसएसबी एससी पार्ट ए के लिए, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। सेकेंड चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, क्लियर है पॉइंट? नाउ अब इस सेकेंड चैप्टर में जो हमें सेकेंड पॉइंट पढ़ना है वो है आपका एंगल मॉड्यूलेशन। सो एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर हमें पढ़ना है FM एंड PM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन के अंदर भी हम लोग जनरेशन देखेंगे, हम लोग डी मॉड्यूलेशन देखेंगे, ठीक है। जनरेशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, डी मॉड्यूलेशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि FM और PM एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें स्टडी करने हैं, हमें दोनों के लिए बैंडविड्थ और पावर कैलकुलेट करना है, क्लियर है। हम ये भी इसमें कंपैरिजन करेंगे कि एंगल मॉड्यूलेशन किस तरह से
जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उससे बेटर है या एंगल मॉड्यूलेशन किस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से बेटर नहीं है, ये सारी चीजें भी हमें एनालिसिस करनी है इस एंगल मॉड्यूलेशन टॉपिक में. ओके, तो अगर मैं इस एंगल मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करूं तो यहां जो मेरी पिक रहेगी स्पेशली फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, आप बोल सकते हैं पीएलएल. पीएलएल क्या है आपका? फेस लॉक्ड लूप. ये आपका एफएम के अंदर आप पढ़ोगे डीमॉड्यूलेशन टेक्निक में. आईएएस एग्जामिनेशन में अगर आप लास्ट 15 इयर्स के पेपर देखो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, आप देखोगे 8 to 10 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पीएलएल इफ यू अपीयरिंग फॉर द आईईएस. ओके, इसके अलावा अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो जो पूरा का पूरा एफएम ही है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है ना, एफएम से काफी न्यूमेरिकल आप पूछे गए हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड चैप्टर का पार्ट बी, एंगल मॉड्यूलेशन. ओके, नाउ सेकेंड चैप्टर के पार्ट सी में जो आपको एनालिसिस करना है वो है आपको रिसीवर्स. ओके, एनालॉग रिसीवर्स. इसमें आपको बेसिकली एएम रिसीवर्स स्टडी करने हैं. ओके, आपको एफएम रिसीवर्स स्टडी करने हैं. ओके, सो यहां पर आपके टू टाइप्स के रिसीवर होते हैं जो आपके मेजर हैं. एक है आपका टीआरएफ, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, और एक है आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर. ओके, तो हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे कि ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर क्या है, इसमें क्या डिसएडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है इनकी, जिसके कारण हमें सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें रिसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में स्टडी करना होगा. ओके, इससे हमें पता चलेगा कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर किस तरह से बेटर है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर से. ओके, एंड सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में भी हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, दैट इज कॉल्ड इमेज फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, और उसे हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में. ओके, सो यहां पर हमें डिटेल में स्टडी करनी है एनालॉग रिसीवर्स के बारे में. ओके, नाउ अगर मैं यहां पर पिक करूं इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है गेट और आईएएस के लिए, तो मैं यहां पर आपके लिए पिक करूंगा सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर. दोनों ही एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में भी मैं एक टॉपिक पिक करूं तो वो टॉपिक होगा आपके लिए इमेज फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम. ओके, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो. क्लियर है पॉइंट? तो इसके अलावा भी रिसीवर में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़नी है या बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, लाइक ट्रैकिंग, ठीक है ना, लाइक ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, बहुत सारे कंसेप्ट है. मैंने मेन कंसेप्ट आपको यहां बता दिए जो हमें डिटेल में स्टडी करने हैं. क्लियर है? नाउ सेकेंड चैप्टर में जो हमें नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करना है 2D, इस पे आपको स्टडी करना है नॉइस इन एनालॉग कम्युनिकेशन. ओके, सो हमें यह स्टडी करना है कि किस तरह से नॉइस आपके एनालॉग कम्युनिकेशन में अफेक्ट प्रोड्यूस करती है. जब हम कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करते हैं, लाइक आप बोल सकते हैं एएम यूज कर रहे हैं आप, डीएसबीएफसी, या आप डीएसबीएससी यूज कर रहे हैं, या एसएसबीएससी यूज कर रहे हैं, कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक, तो आप वो ट्रांसमीटर में प्रोड्यूस करते हैं. ओके, ट्रांसमीटर में यूज करते हैं. जब वो सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन जब वो चैनल से पास होता है तो चांस होती है कि नॉइज ऐड हो जाए. तो इस नॉइज का क्या अफेक्ट होगा आपके सिस्टम पर, ये हमें स्टडी करना है नॉइज इन एनालॉग कम्युनिकेशन में. ठीक है, तो हमारे लिए यहां जो मेन नॉइज होती है थर्मल नॉइज होती है, जो हमें डिटेल में एनालिसिस करनी है. लेकिन जो हमें मेन डेरिवेशन करने हैं इस टॉपिक में वो करने हैं आपको फिगर ऑफ मेरिट के ऊपर. ओके, ये पॉइंट ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. बाकी सारी चीजें थ्योरिकल हैं, ईएस में फिर भी कभी कभी पूछी जा सकती हैं, लेकिन जो फिगर ऑफ मेरिट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए गेट एग्जाम के लिए. ओके, सो फिगर ऑफ मेरिट इज अ टॉपिक फॉर नॉइज इन एनालॉग कम्युनिकेशन. क्लियर है पॉइंट? इसके अलावा भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स देता है आपको, जिससे अगर आप अपने इनपुट को पास करते हो तो नॉइस किस तरह से जनरेट होगी, नॉइस का क्या अफेक्ट होगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में. लेकिन फिगर ऑफ मेरिट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिक होगी नॉइज इन एनालॉग कम्युनिकेशन में. ओके, तो ये है आपका कंप्लीट सेकेंड चैप्टर. बहुत बड़ा चैप्टर है आपके लिए जो आपको स्टडी करनी है. वैसे मैं बात करूं तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम का सिलेबस ही बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है आपके लिए, बहुत ही बड़ा सिलेबस है.
अगर आप बात करें गेट के टोटल सिलेबस की तो 30% आप बोल सकते हैं, 25-30% आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का ही सिलेबस है। क्लियर है पॉइंट? नाउ नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो आपको स्टडी करना है, ये भी अपने आप में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, डिजिटल कम्युनिकेशन। ओके, इन डिजिटल कम्युनिकेशन आपको सबसे पहले ये स्टडी करना है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, हाउ डिजिटल कम्युनिकेशन इज बेटर फ्रॉम एनालॉग कम्युनिकेशन, और हाउ एनालॉग कम्युनिकेशन इज बेटर फ्रॉम डिजिटल कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में हमें एक और पॉइंट स्टडी करना है बिफोर स्टार्टिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग थ्योरम। अगर आप सैम्पलिंग थ्योरम को अच्छे से समझ लेंगे बिफोर स्टार्टिंग द डिजिटल कम्युनिकेशन, देन आपको डिजिटल कम्युनिकेशन को स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में सैम्पलिंग थ्योरम मैं बात करूं तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। और ये कंसेप्ट वाइज भी अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन में, सैम्पलिंग थ्योरम। नाउ डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर हमें मेजर 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है आपका बेस बैंड मॉड्यूलेशन। ओके, बेस बैंड मॉड्यूलेशन के अंदर हमें PCM पढ़ना है, हमें DPCM पढ़ना है, हमें DM पढ़ना है और ADM पढ़ना है। नाउ व्हाट इज PCM? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन आप कह सकते हैं बेस बैंड मॉड्यूलेशन टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मेरी पिक रहेगी एक्चुअली गेट एंड IS एग्जाम बोथ के लिए, इस कंप्लीट टॉपिक नंबर ए से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके अंदर हमें क्वांटाइजर, इनकोडर, सैम्पलिंग, बहुत सारी चीजें पढ़नी है और हर एक कंसेप्ट में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे गए हैं गेट और IS बोथ एग्जाम्स में, ठीक है। नाउ पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बाद हमें जो स्टडी करना है वो DPCM। इसमें हमें यह स्टडी करना है कि PCM में क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमें DPCM पढ़ने की जरूरत पड़ी, ठीक है, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ओके, नाउ उसके बाद जो हमें स्टडी करना है वो है डेल्टा मॉड्यूलेशन, DM। डेल्टा मॉड्यूलेशन हमें ये पढ़ना है कि डेल्टा मॉड्यूलेशन हाउ इट इज रिलेटेड विद DPCM। एक्चुअल में डेल्टा मॉड्यूलेशन इज 1 bit DPCM। ओके, तो ये काफी रिलेटेड है आपस में DPCM एंड DM। ओके, नाउ उसके बाद जो हमें पढ़ना है अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन की अगर बात करें तो हमें यह पढ़ना है कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमें अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ यहां पर जैसा मैंने आपको कहा बेस बैंड मॉड्यूलेशन के अंदर PCM इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं एग्जाम से बात करूं। उसके बाद का अगर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप बोल सकते हैं DM है, डेल्टा मॉड्यूलेशन फॉर बोथ गेट एंड IS। और DM में भी अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो आप कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं लाइक स्लोप ओवरलोड एरर, लाइक ग्रेनुलर नॉइस, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत न्यूमेरिकल पूछे गए हैं गेट और IS में, ठीक है। तो बेस बैंड मॉड्यूलेशन के अंदर जो मेरी फर्स्ट पीक होगी वो होगी PCM एंड सेकेंड पीक होगी मेरी डेल्टा मॉड्यूलेशन। ओके, नाउ ये आपका टॉपिक नंबर 8 इन थर्ड चैप्टर। ओके, नाउ टॉपिक नंबर बी इन थर्ड चैप्टर इज बैंड पास मॉड्यूलेशन। ओके, बैंड पास मॉड्यूलेशन में हमें जो बेसिकली पढ़ना है यहां पर वो पढ़ना है आपको ASK, PSK एंड FSK। ओके, ये जो ASK, PSK एंड FSK हैं ये आपके बाइनरी ASK, बाइनरी PSK एंड बाइनरी FSK के नाम से भी जाने जाते हैं। बाइनरी मींस हमारी जो मैसेज बिट्स होती है वो सिंगल बिट होती है, 1 bit होती है, 1 और 0। ओके, ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, PSK फेज शिफ्ट किंग, FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके जैसा आपने एनालॉग कम्युनिकेशन में पढ़ा था ना AM, PM एंड FM, उसी की तरह ही होते हैं, बस आप इन्हें डिजिटल के फॉर्म में पढ़ते हो, ठीक है। तो हमें यहां पर फिर से यही पढ़ना है कि ASK के अंदर हमें सारी की सारी जनरेशन टेक्निक, डीमॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़नी है, सेम फॉर PSK एंड सेम फॉर FSK, हमें बैंडविथ का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। बट डिजिटल कम्युनिकेशन में एक और न्यू पॉइंट होता है जो आप एनालॉग में नहीं पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन डायग्राम। यहां पर कॉन्स्टलेशन डायग्राम की अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाली है, और अगर मैं एग्जाम्स की बात भी करूं बोथ गेट एंड IS, तो
एएसके पीएसके एंड एफएसके में से अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करूं तो यही मेरे लिए होगा कॉन्स्टलेशन डायग्राम, ठीक है ना। ये मेरी पिक होगी आपके लिए फॉर गेट एंड आईएएस एग्जाम। ओके नाउ एएसके एफएसके एंड पीएसके जैसे मैंने आपको कहा वन बिट आप यूज करते हैं मैसेज में, ठीक है। तो उसके अलावा हमें एक्सटेंशन पढ़ना होता है लाइक एम अरे। ओके इसमें हम लोग एक से ज्यादा बिट यूज करते हैं, दैट मींस नंबर ऑफ सिंबल्स जो होंगे आपके वो दो से ज्यादा हो जाएंगे। एएसके पीएसके एंड एफएसके में ओनली टू सिंबल्स आर देयर एंड एम अरे में आपके मोर देन टू सिंबल्स आर प्रेजेंट। ओके सो ये स्टडी भी हमें करनी है डिटेल में। ओके बट ऑल दो आपके लिए एएसके पीएसके एंड एफएसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एम अरे। एम अरे में जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जो आप बोल सकते हैं रियल में इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लिए क्यूपीएसके। ओके ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके सो यहां पर अगर आप देखें तो आपको एएसके पढ़ना है, पीएसके पढ़ना है, एफएसके पढ़ना है एंड क्यूपीएसके पढ़ना है। इसके अलावा भी आपको डीपीएसके डीईपीएसके और भी बहुत सारी टेक्निक्स पढ़नी है, लेकिन ये फोर जो है आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके और इसपे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए वो होगा कॉन्स्टलेशन डायग्राम। क्लियर। नाउ थर्ड चैप्टर में जो हमें सी पॉइंट पढ़ना है वो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेशन इन केस ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स। ओके सो यहां पर बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला जनरेट करना है फॉर एएसके पीएसके एंड एफएसके। ओके ये आपका एक लॉन्ग डेरिवेशन है। ओके इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको रैंडम वेरिएबल दैट इज प्रोबेबिलिटी एरर फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो ऑल दो मैं इस टॉपिक को 3C में लिख रहा हूं, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग रैंडम वेरिएबल्स की स्टडी करने के बाद ही स्टडी करेंगे। ओके सो ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक में से स्पेशली अगर आप बात करें गेट में या आईएएस में तो बहुत ही ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका गेट और आईएएस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइए। इसमें से क्वेश्चन जो रहता है फिक्स रहता है, ठीक है ना। काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए। क्लियर है। नाउ तो ये हैं आपके डिजिटल कम्युनिकेशन चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके इसके अलावा हम लोग टॉपिक नंबर ए में बेस बैंड कम्युनिकेशन के अंदर एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड PAM, PPM एंड PWM। ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी हम ब्रीफ में एनालिसिस इन टॉपिक्स का भी जरूर करेंगे। ओके तो ये आपका कंप्लीट होता है डिजिटल कम्युनिकेशन चैप्टर का ओवरव्यू। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हमें स्टडी करना है चैप्टर नंबर 4, इट इज इंफॉर्मेशन थ्योरी। ओके अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं इंफॉर्मेशन थ्योरी की, तो आपके लिए गेट और आईएएस दोनों में ही ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ईसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन थ्योरी के अंदर ऑल दो आप बहुत सारे बेसिक चीजें पढ़ते हैं लाइक व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज एंट्रोपी, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि अरे तो बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, हमसे बड़े आसानी से हो जाएंगे इसके क्वेश्चंस, लेकिन जब एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमसे नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं इस चैप्टर में आपके लिए डिफिकल्ट न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, आपको समझाऊंगा वो न्यूमेरिकल, आपको ये एनालाइज करवाऊंगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं और आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किस बुक से करनी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन थ्योरी के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड उसका फॉर्मूला हमें स्टडी करना है इंफॉर्मेशन का। ओके उसके अलावा हमें पढ़ना है एंट्रोपी। एंट्रोपी के अंदर हमें जॉइंट एंट्रोपी, म्यूचुअल एंट्रोपी, ठीक है, ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है। क्लियर है पॉइंट। नाउ इंफॉर्मेशन के अंदर भी हमें म्यूचुअल इंफॉर्मेशन स्टडी करनी है। क्लियर है। तो इंफॉर्मेशन एंड एंट्रोपी यही आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इस इंफॉर्मेशन थ्योरी में, ठीक है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन थ्योरी में जो हमें स्टडी करना है वो स्टडी करना है बिट रेट, ओके, या रेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके नाउ
इसके अलावा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड शैनन हार्टले थ्योरम। ओके, इस थ्योरम के अंदर आप चैनल कैपेसिटी का स्टडी करेंगे। सो चैनल कैपेसिटी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इंफॉर्मेशन थ्योरी के अंदर। ओके, इंफॉर्मेशन थ्योरी में जैसा कि मैंने आपको कहा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप न्यूमेरिकल जो एक्सपेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी में एग्जाम में, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंट्रोपी टॉपिक से। ओके, इन बोथ एग्जाम्स, और आप इस शैनन हार्टले थ्योरम से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, इसके अलावा जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सोर्स कोडिंग इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, लेकिन जो मेरी पिक रहेगी न्यूमेरिकल के लिए वो शैनन हार्टले थ्योरम्स में रहेगी और एंट्रोपी में से रहेगी। ओके, तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं इन टॉपिक्स में से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे। नाउ तो ये आपका कंप्लीट होता है इंफॉर्मेशन थ्योरी का ओवरव्यू। नाउ नेक्स्ट जो हमें ओवरव्यू पढ़ना है फिफ्थ चैप्टर का, दैट फिफ्थ चैप्टर इज फंडामेंटल ऑफ एरर करेक्शंस। ओके, इन केस ऑफ फंडामेंटल ऑफ एरर करेक्शन आपका जो मेन फोकस रहेगा वो आपका रहेगा लीनियर ब्लॉक कोड्स पे। एंड लीनियर ब्लॉक कोड में जो आपको मेन पढ़ना है वो आपको पढ़ना है हैमिंग कोड। ओके, यहां पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल से डील करेंगे इन केस ऑफ फंडामेंटल ऑफ एरर करेक्शन। आपको यहां पर बहुत सारे मैट्रिक्स का एनालिसिस करना होगा, लाइक पैरिटी चेक मैट्रिक्स, लाइक जनरेटर मैट्रिक्स, लाइक डेटा मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल दो ये जो आपका चैप्टर है वो गेट में लास्ट 2-3 ईयर्स में ही एड हुआ है, ठीक है ना, बट अब आप इस चैप्टर से न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मेजर न्यूमेरिकल्स नहीं आए इस चैप्टर से, लेकिन 2019 के एग्जाम के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल। ओके, तो अभी की अगर बात करूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, अगर मैं लास्ट 10 ईयर का प्रीव्यू देखूं तो, क्योंकि अभी अभी ऐड हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं ये, आप बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं। हम वीडियोस में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे, पूरी थ्योरी कवर करेंगे, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है ना। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर हमें स्टडी करना है, चैप्टर नंबर 6, वो आपको स्टडी करना है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। ओके, इन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक आपको बेसिकली 3 टॉपिक्स स्टडी करने हैं, TDMA, ओके, FDMA एंड CDMA। ओके, ऑल दो जो TDM और FDM है वो मैं आपको एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग ही बता दूंगा, ठीक है ना। TDM means टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM means फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग, और A means क्या होता है, एक्सेस होता है। तो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस। यहां पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीपल एक्सेस। ओके, तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, नो डाउट इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस टॉपिक से न्यूमेरिकल वाइज अगर आप देखें। यस, ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो आप टीडीएमए और एफडीएमए को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं आईएएस में, ठीक है। बट अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए हैं। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हर साल एक क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है, और ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है। तो मॉडरेट टॉपिक है आपके लिए, पर मैं फिर भी यही सजेस्ट करूंगा कि गेट के एग्जाम में आपको कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाना चाहिए, तो आप स्टडी जरूर करके जाइएगा। हम भी क्लास में इसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। बट हाँ, आईएएस एग्जाम के लिए थ्योरिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है यहां पर भी। ओके, नाउ जो आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करनी है इन केस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट। आप जितने भी कंसेप्ट पढ़ते हैं अपने बीटेक लाइफ में ड्यूरिंग द 8 सेमेस्टर्स, या आप जितने भी कंसेप्ट स्टडी करते हैं गेट और आईएएस की प्रिपरेशन के टाइम पर, उसमें से अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो वो है आपके लिए रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। ओके, और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट भी है, इसलिए मैं ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में और बहुत इजी मैनर में कवर करूंगा इन वीडियोस में। ओके, तो आपको बेसिकली यहां पर मैं अगर ओवरव्यू दूं रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है, तो रैंडम वेरिएबल के अंदर हमें बेसिकली पीडीएफ, CDF एंड PMF, ये 3 फंक्शन स्टडी करने होंगे। ओके, तो PDF क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन,
इसके अंदर हमें बहुत टाइप्स के पीडीएफ स्टडी करने हैं, ओके इन सारे पीडीएफ के लिए हमें स्टैटिकल एवरेजेस कैलकुलेट करनी है, लाइक मीन, मीन स्क्वायर वैल्यू, वेरियंस, ओके देन वी नीड टू स्टडी सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके देन वी हैव टू एनालाइज दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीडीएफ एंड सीडीएफ, ओके देन वी नीड टू स्टडी पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके तो ये सारे फंक्शन हमें डिटेल में एनालिसिस करने हैं इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसके बाद हमें स्टडी करना है डिफरेंशियल एंट्रोपी का कंसेप्ट इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ओके हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टडी करना है इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ओके बहुत सारे न्यूमेरिकल स्टडी करने हैं एवरेजेस के, मीन वैल्यूज के, मीन स्क्वायर वैल्यूज के, वेरियंस के, क्लियर है पॉइंट। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे रैंडम वेरिएबल्स के अंदर। तो अगर मैं यहां पर कोई टॉपिक पिक करूं आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा पीडीएफ फॉर गेट एंड आईएएस एग्जामिनेशन, ओके अगर आप पीडीएफ समझ लेते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको और समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सीडीएफ जस्ट आपका इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ है, ठीक है। तो आपको अगर पीडीएफ समझ में आ गया तो सीडीएफ भी काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा, ओके अगर आप डिफरेंशियल एंट्रोपी की बात करें तो यहां भी आपका पीडीएफ ही यूज होने वाला है, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीजें स्टडी करनी है रैंडम वेरिएबल में, ओके रैंडम वेरिएबल को और रैंडम प्रोसेस को पढ़ने के पहले अगर मैं बोलूं प्री रिक्विजिट क्या है तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सैंपल स्पेस, ओके व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है ये सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें, ज्यादा डिटेल नहीं, बेसिक्स अगर आपको पता होगा तो रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके रैंडम वेरिएबल ऑल दो बहुत ही वाइड टॉपिक है लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। जब मैं वीडियो में क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो हम सारे के सारे पॉइंट्स इन डिटेल कवर करेंगे, ओके नाउ अब अगर मैं बात करूं रैंडम प्रोसेस की तो रैंडम प्रोसेस है क्या बेसिकली, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज कॉल्ड रैंडम प्रोसेस। तो रैंडम प्रोसेस को पढ़ने से पहले आप समझ ही गए होंगे कि आपको रैंडम वेरिएबल अच्छे से आना चाहिए। तो रैंडम प्रोसेस की प्री रिक्विजिट क्या होगी आपकी, रैंडम वेरिएबल, ओके रैंडम प्रोसेस में आपको बेसिकली तीन तरह के रैंडम प्रोसेस पढ़ने हैं, इरगोडिक रैंडम प्रोसेस, वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस एंड स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, ओके उसमें से जो हमारी पिक होगी फॉर गेट एंड आईएएस सिलेबस वो होगी आपकी वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके रैंडम प्रोसेस टॉपिक पर वो वाइड सेंस स्टेशनरी पर ही बनते हैं, और अगर आपको वाइड सेंस स्टेशनरी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने चाहिए, एक तो आना चाहिए मीन कैलकुलेशन और एक आना चाहिए आपको ऑटो कोरिलेशन, ओके ऑटो कोरिलेशन आप बोल सकते हैं कि रैंडम प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मैं वाइड सेंस स्टेशनरी टॉपिक में से भी अगर कोई पिक करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए तो वो होगा ऑटो कोरिलेशन, ठीक है ऑटो कोरिलेशन अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तो मानकर चलिए कि रैंडम प्रोसेस का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ओके इसके अलावा हम रैंडम प्रोसेस के रिलेटेड कुछ सिस्टम्स का भी एनालिसिस करेंगे, एलटीआई सिस्टम के साथ भी रिलेशनशिप हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है तो हमें काफी कुछ पढ़ना है रैंडम प्रोसेस में भी। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस में से, ठीक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप गेट में एवरी ईयर 2 मार्क्स टू 4 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस कंप्लीट टॉपिक, और आईएएस में भी आप काफी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे इस कंप्लीट टॉपिक में से, ठीक है मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ये, ठीक है आपको बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा इस टॉपिक में से, बहुत सारी वीडियोस आपको अवेलेबल नहीं होंगी इस टॉपिक में से, ठीक है तो आप जो मैं वीडियो कवर करूंगा उसे डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। मेरा जो एम रहेगा यहां पर वो सिर्फ इतना रहेगा कि जितना इजी मैनर में आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट मैं प्रोवाइड कर सकूं रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस से रिलेटेड, ओके नाउ लास्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू मल्टी कैरियर टेक्निक्स, ओके इसमें हमें बेसिकली मल्टी कैरियर टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन कंसीडर करना है, ओनली इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ये जो टॉपिक है ये भी आपका लास्ट 2 to 3 years में ही ऐड हुआ है गेट में, ठीक है यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है आईएसआई
इंटर सिंबल इंटरफेरेंस एंड इंटर चैनल इंटरफेरेंट। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं यहां पर, ठीक है। ऑल दो आईएसआई जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस है उसमें से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो यहां पर आपको पढ़ना है सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स। सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स पे आपको बेसिकली फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स स्टडी करनी है एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स आपको स्टडी करनी है। ओके, सो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में भी इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं इस टॉपिक में से कुछ पिक करूं आपके लिए इंपॉर्टेंट तो वो आपके लिए होगा आईएसआई, ओके, जो कि आपके लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी और आईएएस के लिए भी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू है फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इस सिलेबस को हम लोग बहुत डिटेल में लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको एक और पॉइंट यहां पर एनालाइज करवाऊं तो वो पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन जो है आपका सब्जेक्ट वो बहुत ही वाइड, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हम यहां पर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है ना। अगर आप पूरा कम्युनिकेशन स्टडी करने जाएंगे तो इट्स अ वेरी 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 वाइड सब्जेक्ट, ओके। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बेसिकली गेट और आईएएस एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट पर ही रहेगा यहां पर, ओके। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स अगर आपको और ऐड करने हैं, कुछ टॉपिक्स अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स के लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, नाउ गुड बाय।